शौचालय के प्रत्येक घर में 19,000 रुपए की राशि दी जाएगी और 5 साल में सर्वप्रथम घर में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। नगर में कमल प्रदेश अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद मित्रों माननीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने 1 नवंबर से सशक्त भारत सशक्त सरकार आप लोगों ने बनाई है। आगे आने वाले समय पर आप भारतीय जनता पार्टी नगर में भी की सभी श्रीगिटी के नगरवासी का अपना मोबाइल निकाल ले और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हेतु मैं जो नंबर आपसे कहूंगा और डायल करेंगे तो आप उठाने हैं गाड़ी तरफ ठीक है कितना देर को उठाना इनका नगरी निकाय के चुनाव अभियान में आज तीसरे दिन की यात्रा की स्थगिति में आख्यान में मोहर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर पालिका नगर पंचायत और नगर निगम के अध्यक्ष सहित पार्षदों को विजयी बनाएंगे और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। और एक अभियान जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया कांग्रेस मुक्त भारत, हमने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत अभियान प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया और आज मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान के नक्शे में कांग्रेस गायब हो गई है। आजादी के बाद अभी तक के होने वाले चुनाव में कांग्रेस की सबसे बुरी हालत 2014 के इस चुनाव में लोकसभा चुनाव में हुए 13 के कांग्रेस लोकसभा में 44 सांसदों के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बना नहीं सकी और आज यदि हिंदुस्तान के नक्शे में देखें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार चुकी है, गुजरात में कांग्रेस हार चुकी है, हरियाणा में कांग्रेस हार चुकी है, राजस्थान में कांग्रेस का नाम निशान नहीं, गोवा में कांग्रेस हार चुकी है, जितने भी राज्यों में चुनाव हुए महाराष्ट्र सहित सभी में कांग्रेस का सफाया हो गया है, पंजाब में कांग्रेस नहीं है और अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं झारखंड में एग्जिट पोल की रिपोर्ट जो आ रही है इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हरियाणा में भी कांग्रेस का सफाया, झारखंड में भी कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की पराजय निश्चित है। पूरा हिंदुस्तान इस नक्शे में आप देखेंगे कांग्रेस का नाम निशान नहीं है। अब हमने नारा दिया है छत्तीसगढ़ में नगरी निकाय को कांग्रेस मुक्त करना है और सिरगिट्टी नगर पंचायत के चुनाव अभियान में जब मैं आया हूं तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रत्याशी श्रीमती केसरी इंगोले जी के और उसके साथ मेरे पार्षद जो मंच में 15 खड़े हैं उनके चुनाव अभियान में उनके लिए वोट सहयोग समर्थन और आशीर्वाद देने आया हूं और आप सबसे आग्रह करने आया हूं इन सभी प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान में बटन दबाकर विजयी बनाए। अब ये चुनाव अकेला हमारा प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि की हैसियत से और मैं कहूंगा डॉक्टर रमन बन के चुनाव के मैदान में लड़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद इनको सहयोग समर्थन मिले। जोश खरोश और उत्साह का वातावरण है और सभी नगर निगम क्षेत्रों में मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों में जीतेगी और नगर पंचायत नगर पालिका में भी अभूतपूर्व उत्साह है। 5 साल जो विकास के काम हुए उसका नतीजा आज सामने दिख रहा है, चाहे वो शाकंभरी चाहे वो भागीरथी नल जल योजना हो, कांक्रीट की सड़कों का जाल बिछाने का काम हो या फिर विद्युत के विस्तार की योजना और उसके साथ ही साथ मंगल भवन का निर्माण, सरोवर धरोहर योजना और बेहतर तरीके से उद्यानों के निर्माण का असर नगरीय निकाय में दिख रहा है। कांग्रेस से अलग हो गए तो क्या लगता है कि बीजेपी से फायदा होगा?
देखिए, जब कहीं विभाजन होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा और नगरीय निकाय में लगता है कि इसका लाभ मिलेगा। भूपेश बघेल जी ने बोला है कि सीएम साहब मित्रता ना दिखाएं, वो कांग्रेस की चिंता ना करें और जोगी जी के प्रचार करने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं। अच्छी बात है, यदि कांग्रेस के और लोग प्रचार नहीं करते तो मुझे क्या आपत्ति। नरेंद्र मोदी की तरह शत प्रतिशत चुनाव का परिणाम इस बार नगरीय निकाय में, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में जबरदस्त जोश खरोश है और मुझे तो लग रहा है कि मेरे पास 10 दिन समय है। मैं अधिकांश क्षेत्रों में जाने का प्रयास कर रहा हूं, मगर दिन छोटा होता है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। मगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जैसे रिजल्ट आए थे उस वैसे ही रिजल्ट छत्तीसगढ़ भी थे। चुनाव में उसका कोई असर, बाकी हमारे बहुत कम है, पार्षद है उनको समझा लेंगे। झारखंड और जम्मू, झारखंड में तो आपने देख लिया।